तुमने जरूर उस लड़के के साथ कुछ ऐसी बातें करी होंगी, इसलिए वो इस भावना में बह गया। मैंने उसे कभी कोई बढ़ावा नहीं दिया आंटी। और फिर भी उसने तेरे लिए जान देने की कोशिश की। अरे कोई तो बात होगी ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। माँ सही कह रही है, इसीलिए तुम्हें बार बार कहा करता था मैं कि अपना ख्याल रखो। भैया पूनम भाभी सबसे मुस्कुरा के बात करते हैं, उनकी नेचर है वो। अब हो सकता है रजनीश ने गलत समझ लिया हो, कुछ लोग होते ना थोड़े सेंसिटिव, क्या पता। अब तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। मतलब जितना मैं रजनीश को जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, अपने डॉक्टर बनने को सपनों को लेके बहुत सीरियस था। मेरे लिए या किसी और लड़की के लिए वो ऐसा नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई तो बात है जो हम सबसे छुप रही है, और मैं उस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। मैं जानना चाहती हूं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। आज जो भी हुआ ना, उसकी वजह से मेरे गीतू की सगाई होते होते रुक गई है। अब पता नहीं सगाई का दूसरा मुहूर्त कब आएगा। सुमित्रा तुम चिंतित ना हो, महाकाल ने चाहा तो सब ठीक होगा। बच्चों चलो, रात बहुत हो गई है, चलो। बड़ी चालाक है पूनम, इसे रजनीश पर शक हो गया है। खैर गीतू की सगाई तो टल गई, पर जब रजनीश को होश आएगा और वो मेरा सच बोल देगा तो नहीं, कुछ करना होगा मुझे। सोचा था साबित कर दूंगी कि तेरा चक्कर पूनम के साथ चल रहा है, और फिर राज की मौत का इल्जाम पूनम पे डाल दूंगी। तुम्हें मेरे सारे पैतरों को पलट